कोटा शहर में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बिना किसी व्यवधान के लगातार सुचारू रूप से पानी की सप्लाई हो, इसके लिए जलदाय विभाग ने गर्मी से पहले ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली, ताकि गर्मी के समय में लोगों को पानी के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहन लाल मीणा के मुताबिक जलदाय विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए इसके लिए आवश्यक सामानों का स्टोरेज कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 61 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, वहीं शहरी क्षेत्र में 30 से ज्यादा टैंकर पानी की सप्लाई के लिए लगा रखे हैं, फिर भी आवश्यकता अनुसार टैंकरों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पानी की सप्लाई को लेकर सामान्य रूप से की जाने वाली मेंटेनेंस सेवाएं भी करवा ली गई हैं और संबंधित ठेकेदार को पाबंद किया गया है, ताकि पानी की सप्लाई को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र कोटा है, उसमें गर्मी को देखते हुए हमारी जो प्लानिंग थी वो जनवरी फरवरी से हमने तैयार कर ली थी, और मुख्य रूप से पेयजल परिवहन को लेकर और जो सामान्य रूप से जो मरम्मत और संधारण के लिए हमें जो रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो हमारी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, कम से कम उनकी वैलिडिटी जुलाई अगस्त तक हो, वो उसके हमने पूरी तैयारी की। मेंटेनेंस संबंधित जो मेटेरियल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने तैयारी करके जो भी संबंधित जेईएम एईएम है उनके स्टोर में एक लिमिटेड स्टॉक हमने उपलब्ध करवाया,